हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाइप और टंकी की ये लास्ट क्लास है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से अब तक आपको समझ आ रहा होगा। चार क्लास बनी गई हैं, वैसे तो ये दो क्लासेस का ही काम था, पर छोटी छोटी क्लास हैं इसलिए जो है चार बन गई हैं। कोई बात नहीं, इसके बाद बस मिक्सचर एंड एलिगेशन जब हो जाएगा तो पाँच चैप्टर्स का टेस्ट है आपका 2 फरवरी का, याद है तो, मतलब आगे के एक अगले संडे का। आज संडे है ही, गणतंत्र दिवस है, तो पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। 71वां गणतंत्र दिवस है ये हमारा, तो पहला मनाया गया था पता ही है आपको 1950, और 50 से और अगर 20 तक लगाओगे तो देखने में लगता है कि 70 है, पर एक 50 में मन गया था इसलिए 71वां है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। ये इसकी वजह से ही मैं ये सवाल करा रहा हूँ आपको, नहीं तो जरूरत नहीं थी इस सवाल को कराने की। आप देखोगे इतना आसान सवाल है ये। ठीक है, ये जो ऐसे सेकंड में आ जाता है, उत्तर लीटर में आ रहा होगा, तो ये क्षमता पूछे, धारिता पूछे, तो ये लीटर में ही देगा। क्षमता का मतलब है कि हौज में कितना पानी आ जाएगा पूरे भरे हुए में। ठीक है, तो वो तो लीटर में ही आएगा, तो अब लीटर में उत्तर कैसे लाएं बच्चे, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो आप सवाल देखो, ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है और 5 लीटर प्रति सेकंड, या बी की गति को भी थोड़ा सा थाम के रखो, पहले आगे की बात पढ़ लो कि पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, अर्थात ए बी और बी भी, तो हौज 100 मिनट में भर जाता है। देखिए बी जो है, वैसे तो ए अकेला ही 20 मिनट में भर देता, लेकिन बी के लगाने से 100 मिनट में काम क्यों हो रहा है, क्योंकि बी जो है उसके पानी को निकाल रहा है साथ साथ, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब बी खाली करने वाला है। ठीक है, चलिए, मतलब ये ऐसे है कि हौज ये रहा देखो पूरा भरा हुआ, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, ये तो ए बेचारा इसको भरने में लग रहा, ये रहा पाइप है, और बी यहाँ है, ये रहा, ये इसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का दोनों चल रहे हैं, और जब ए अकेला इसको बंद करके चले तो 20 मिनट में ही हौज भर देगा, लेकिन जब ये साथ साथ चलेगा तो काम तो ज्यादा टाइम लेना ही लेना था, इसलिए 100 मिनट आ रहे हैं। और बी का बता भी रहा है कि ये 5 लीटर 1 सेकंड में निकाल देता है, ये भी बता रहा है। तो मैं ये देख लूं कि बी अगर पूरे भरे हौज पूरा भरा हो और इसे बंद कर दें, तो बी पूरे हौज कितनी देर में खाली कर देगा, मतलब बी अकेले का काम मुझे देखना है, पर अकेले का तब देखूंगा, पहले इसकी इनकी काम क्षमता तो निकाल लूं कि भाई क्या है टोटल काम 100 और 1 मिनट का काम, क्योंकि ऊपर मिनट सेकंड है, मिनट है ऊपर, तो 20 × 5 = 100 और 100 × 100, तो इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट के अंदर अगर ए अकेला भरे तो 5 भरता है, लेकिन अगर ये दोनों काम करें तो एक ही डब्बा भरा रहेगा बस, तो इसका मतलब बी 4 को खाली कर देता होगा कि नहीं, बताओ आप खुद। 20 भाई ए अकेला ही बेचारा 5 भर रहा है और फिर एक ही रह गया भरा हुआ, तो इसका मतलब 4 उसने खाली कर दिए। तो बी की स्पीड क्या है अगर कोई पूछेगा, तो मैं ये कहूंगा कि ए प्लस बी के काम में से ए का काम घटा दो, दोनों के काम में से ए का जाएगा तो -4 आ जाएगा, अर्थात 4 डब्बे खाली कर रहा है बी 1 मिनट के अंदर। तो बी की स्पीड क्या हो गई, 4 डब्बे खाली 1 मिनट के अंदर। बहुत सही है बात, बहुत सही है। तो मैं ये देखूं कि भाई हौज में कितना पानी था, यही तो पूछ रहा है वो। अब आप खुद बताओ, ये जो बी खाली करता है, बी खाली करता है तो बी का पहले तो हाँ पूरे भरे हौज को खाली करने में बी को कितना समय लग जाएगा ये तो बता दो, बी का भी टाइम आया कहां है, तो बी को कितने मिनट लगेंगे आप देखो, 25 मिनट। भाई बी की काम क्षमता ही तो आई है 4, तो बी पूरे डब्बे को कितनी देर में खाली कर देगा, पूरे तो 100 है और 4 खाली कर रहा कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर, तो 25 मिनट में पूरे 100 के 100 खाली कर देगा कि नहीं, बताओ। बी का तो ऐसे ही तो निकालता मैं,
तो बी 25 मिनट में, ए 20 में भरता, तो दोनों चीज आ गई है। तो इसका मतलब अगर मैं ए को बंद कर दूं और ये पूरा भरा हुआ है तो बी को 25 मिनट लग जाएंगे इसे खाली करने में। अगर बी पूरे भरे को 25 मिनट में खाली करेगा और एक सेकंड के अंदर 5 लीटर पानी खींच रहा है बाहर, तो 25 मिनट में कितना पानी खींच लिया होगा उसने, उतना ही पानी है टैंक के अंदर, बस इतनी सी तो बात है। तो आप खुद बताओ जब ये 5 लीटर एक सेकंड में बाहर फेंक देता है तो 25 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर फेंक देगा। तो पानी बाहर निकालेगा बराबर, तो पानी जितना भी बाहर निकालेगा वही पूरा पानी है हौज के अंदर। 25 मिनट लग गए, हर सेकंड 5 लीटर निकाल रहा है। तो भाई देखो 5 लीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में, पहले मैं 1 मिनट का देखूंगा तो 1 मिनट में इतना हो जाएगा कि नहीं, 1 मिनट में 300 लीटर होगा कि नहीं, और 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 25 की गुणा और कर दो तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7500 लीटर। तो ये बी इतना पानी बाहर फेंक देगा 25 मिनट के अंदर, इसका मतलब हौज में 7500 लीटर पानी होगा, तभी 25 मिनट उसको लगे हैं, नहीं तो वो बहुत जल्दी बाहर कर देता, 5 लीटर होता तो 1 सेकंड में ही बाहर फेंक देता, 25 मिनट लगे इसका मतलब हौज में 25 मिनट लायक उसका पानी है। ठीक है, बात समझ में आई है। तो इतने लीटर पानी हौज के अंदर भरा हुआ है। चलिए यही पूछा था कि हौज की क्षमता क्या है पूरे भरे हुए की। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये आपको समझ आया है तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, छेद का नाम मैं ए डाल देता हूं, ठीक है। चलिए भाई ए छेद का नाम है, 8 घंटे में खाली कर रहा है, चलो 8 घंटे में तीर ऐसा ही लगा लो, और भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल है। अब के नल को खोलने पर टंकी फिर भी 12 घंटे में खाली, मतलब भरने वाला बेचारा छोटा सा है, अगर भरने वाला भी चल जाए ना इसके साथ, एक खाली कर रहा है और इसके साथ अगर भरने वाला बी भरने वाला, ये भरने वाला अगर भरने वाला भी चल जाए ना इसके साथ, तो काम कितनी देर में हो रहा है, 12 घंटे में खाली हो रही है 12 घंटे में। तो इसका मतलब ए ही तेज है, बी थोड़ा स्लो है, पता लगेगी। चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, अब भी खाली हो रही है बोल रहा है वो, जब दोनों काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में, और बी अकेला, ए अकेला कर रहा है तो 8 घंटे में, तो मैं क्या करूं, वही सेम काम है अपना, तो अपना तो सेम ही है। चलो 1 मिनट में, मिनट है ना, घंटे हैं, घंटे हैं, 1 घंटे में ये कितने, 1 घंटे में ये करता 3 डब्बों को खाली, लेकिन लेकिन अगर दोनों साथ साथ चल जाए तो 2 ही डब्बे खाली होंगे, इसका मतलब वो एक भर देता होगा इतनी देर में, है। तो मैं ये ना कह दूं ए जो है, ए का काम, ओ सॉरी बी का, ए का तो पता ही है 3 है, तो बी का काम क्या होगा, इन दोनों के काम में से ए का घटा दो, मतलब 2 में से 3 घटा दो, क्योंकि ये खुद माइनस में है, अभी ये मत सोचना ये माइनस में आ रहा तो भरने वाले, ये माइनस में थे, मैंने लिखे ही तो नहीं, ये माइनस थे, और माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बी का काम 1 है, बी का काम 1 घंटे में 1 भरता है भरने वाला, इसलिए प्लस में ही रखो, पता पहले ही। तो बी 1 घंटे में 1 डब्बा भरता है, और डब्बे कितने, 24, तो बी पूरा कितनी देर में भरेगा, पूरा काम कितनी देर में करेगा, 24/1, इसका मतलब 24 घंटे में बी इसको भर देगा पूरा, बी 24 घंटे में भरेगा, भरेगा 24 घंटा लग जाएंगे बी को इस हौज को भरने में। अब ध्यान देना मेरी बात पर, बी को कितना टाइम लग जाएगा इस हौज को भरने में, सही कर रहे हैं ना, 24 घंटे में, 24 घंटे लग गए बी को, भरने वाला भी और खाली करने वाले का हिसाब हमने पहले ही कर दिया, ये रहा, इसको 24 घंटे लग गए भरने में, और ये भर किस हिसाब से रहा देख तो लो एक बार, 6 लीटर 1 मिनट में भरता, 6 लीटर 1 मिनट में, और 24 घंटे लग गए, तो कितना पानी भर दिया होएगा इसने 24 घंटे में, उतना पानी है टैंक के अंदर, टैंक भर ही गया 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे में ये 5 लीटर 6 लीटर
छह लीटर एक मिनट के अंदर, छह लीटर एक मिनट में भर रहा है और 24 घंटे इसको लग गए। आप इस दुख इसको हिसाब को अपने घर पे ले जाओ ना, उसको समझो कि भाई 6 लीटर एक हमारे घर पे कुंड बना हुआ है, वो जो पाइप फेंकता है ना वो 6 लीटर एक मिनट में, तो बड़ा बेकार पाइप, एक मिनट सोचो कितनी देर हो, और 6 लीटर पानी दिया, टंकी सी है कोई बिचारी ऐसे मान लो, ठीक है, तो 6 लीटर एक मिनट में भरती है वो, और उसको भरने में लग गए इस हौज को 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगी वो खुद सोचो, 6 लीटर एक मिनट में भर रही है तो 24 घंटे में कितना पानी भर देगी, हिसाब कैसे लगाएंगे बताओ ना, घर वाला ही तो हिसाब है। तो देखो ना 6 लीटर एक मिनट में है तो एक घंटे में, तो एक घंटे में 6 × 60 एक घंटे का काम है कि नहीं है, 360 लीटर भर देगी, और 24 घंटे लग गए तो 24 के भी गुणा करूंगा कि नहीं, तो इतना टैंक में पानी या टैंक की धारिता या टैंक की क्षमता सब एक ही बात होती है, इतना पानी टैंक में भर देगी 24 घंटे के अंदर, बताओ ये भर देगी या नहीं, ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है ना बहुत अच्छे से। तो अब आप गुना वुना कर लेते तो ज्यादा अच्छे रहते, कितना आ रहा है भाई 8500, अच्छा 8640 लीटर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अब ये धारिता वाले सवाल आपके हो जाने चाहिए, ये बहुत आसान चीज रहे, पहले तुम अपना नॉर्मल क्वेश्चन करे करो और फिर सोचे करो टैंक पे, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल देहात में घर पे टंकी चल रही है हमारे, और उसको सोचो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन नहीं है ऐसा, कभी जो सोच रहे हो यही है ऐसा, ये तो घना आसान है। एक पाइप किसी टंकी को, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया भर रहा है, बहुत अच्छा पाइप है, आधी टंकी को भरने पर ऐसे ही 3 पाइप, अब ये गड़बड़ करवा रहा है, दिक्कत ये है कि ये कह रहा है कि 3 पाइप ऐसे ही और खुलवा दो जैसा ये चल रहा है। अरे शुरू से ही खुलवा देता तो ज्यादा बढ़िया रहते, 6 × 6 = 4 पाइप कर देते टोटल, पर दिक्कत क्या रही कि भाई आधी भर गई है उसके बाद खुलवा रहा है, समझ तो लो एक बार, चित्र बना के समझा दूं आपको, ये एक पाइप है ये भर रहा, कितनी देर में भर रहा, 6 घंटे में, चलो भाई भर भी जाएगा हौज, पर ये भरा नहीं इसने पूरा, दिक्कत ये है ये 6 घंटे में बस भर ही सकता, लेकिन भरा कितना, आधा आधा आधा, ठीक है आधा भर दिया, इसके बाद क्या हुआ, बहुत बढ़िया काम, अब आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी भरने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम 3 नल और खोल दिए गए, 3 नल 3 नल। तो मैं न्यूना कह दूं आपसे कैसे, ऐसे देखो, अगर ये अकेला ही नल चलता रहता, अकेला एक टैंकी चलता रहता तो इसको 3 घंटे में भर देता कि नहीं, बचे काम पे बात कर रहा हूं, बचे पे, अरे भाई अब आधा भर दिया और ये ही चल रहा 6 घंटे वाला, तो 3 घंटे तक तो ये ही चला आधे तक, तो और बचा हुआ, बचे हुए काम पे फोकस करता हूं मैं, तो ये एक टैंक ही, ये अकेला टंकी ही टंकी है, टैंक के क्या टंकी, तो ये अकेली टंकी इसको 3 घंटे में भर देती कि नहीं, बताओ आप बताओ, और अब टंकी कितनी लगा दी उसी काम में, उसी काम में लगाई है ना, 3 और लगा दी, 4 होगी, तो 4 टंकी इसे कितनी देर में भर देंगी, बस ये है। अब एक टंकी तो भरती है इसको 3 घंटे में, 4 टंकी इसको कितने घंटे में भर देंगी, तो भाई यहां भाग दे दो ना, ये तुमने कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल नहीं बना दिया, एक टंकी एक आदमी 3 दिन में, 4 आदमी कितने दिन में काम को कर देंगे, कितना आसान हो गया, उत्तर आ गया 3/4 घंटे, और 3/4 घंटे को क्या कह सकूं, मिनट में बदलोगे तो बताओ, इससे आसान सवाल मिलेगा तुम्हें दुनिया में, 45 मिनट, ये बताओ, एक टंकी अकेली चलती रहती बचे काम पर, चल रहा सारा काम बचे काम पे, बचा काम बचे काम पे फोकस है हमारा,
हो गया उसका क्या मतलब, जैसे वो खाना खा जावे ना, जिनने खा लिया उसका क्या, बचा खाना कितना, उस पर ही तो है। तो एक टंकी 3 घंटे तो चल ली, बचा काम है 3 घंटे का, एक टंकी बचे हुए हौज 3 घंटे में भर देगी, 3 और होगी, ये टोटल अब 4 चल गई, 4 कितनी देर में भर देंगी, कितना आसान सवाल है। अब 10 भी लगा दे वो क्या दिक्कत है हमें, कितनी भरवा दो। ठीक, देखो कहां कहां किस किस चीज का यूज हो जाए क्या पता, चलो। और बाकी तुम देसी हिसाब से करना चाहो, चलो देसी लिख दूं, देसी हिसाब, उससे भी देख लो। एक टंकी इस हौज को 3 घंटे में भर सक, 6 में ही बचे हुए पे, तब भी बचे हुए पे ही देखोगे, बचे हुए पे एक टंकी 3 घंटे में भर देगी। अगर एक और खुल जाए, अगर ये 2 हो जा, समझ लेना, 2 टंकी डेढ़ लेंगी कि नहीं लेंगी बताओ, 1.5 घंटा। और 2 और आ जा, मतलब टोटल तो 4 हो रही है ना, 2 टंकी डेढ़ लेंगी और 4 हो जा, 1.5 घंटा का मतलब क्या, 90 मिनट, 90 मिनट है कि नहीं है। और 2 और हो जा तो सीधी सी बात है, इसका भी आधा टाइम लगेगा कि नहीं, 45 मिनट। तो ऐसे देसी हिसाब है, देखो कितना बढ़िया। तो कौन सा अच्छा समझ में आया वो ही रख लो, जैसे भी हो जा, ठीक है। पर इसमें ये 5 पूछ ली तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, एक का मतलब उस टाइप का कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 5 का भी हो जाएगा इससे भी, पर थोड़ा दिमाग मानना पड़ेगा, इसमें दिमाग ही नहीं मानना, इसलिए ऐसे बताया, 5 आ जाओ 6 आ जाओ, चलो बाकी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हो गया, अब चौथे पे आ जाए, आप कहोगे चौथा मुश्किल, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो देखो, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट, कुछ सवालों में थोड़ा हटके सोचना पड़ता, वही सवाल है, 60 मिनट 40 मिनट, यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, आधा वादा बाद में करवाएंगे, पहले देख तो ले ए और बी, पहले हिसाब लगा ले इनका, इनका हिसाब फाइनल कर दें पहले, 40 और मैंने देखा 120, और मैंने ये भी देख लिया कि 1 मिनट में ये 3 करता, ये 4 टैंक भर देता, काम है पूरा 120। चलो ये तो मैंने इतना तो कर ही लेता हूं हर सवाल में। इसके बाद क्या बोला है, आधा टाइम बी काम करे, आधा टाइम ए और बी दोनों काम करें। अब मुझे क्या पता आधा टाइम कितना हो, पता है आधा टाइम क्या कह रहा, मान लो हौज भरा 40 मिनट में, तो 20 मिनट तो ये काम करे और 20 मिनट ये दोनों काम करें, ये है आधे टाइम का मतलब। अब पता तो नहीं है काम कितनी देर में हुआ, आधा तो यूं ही कर देता नहीं मैं, मुझे कितनी देर लग रही है आधा करने में, तो पूरे काम का टाइम आपको ऑप्शन में है कि नहीं है बताओ आप। तो आप ऐसे ही सोचने पर धूल में लठ मारने से कि पूरा काम कितनी देर में हुआ होएगा, उससे अच्छा ऑप्शन से ले लो। तो भाई 15 के तो आधे आधे ना कर सके हम, 20 के आधे आधे करके देखे लू, अब देखना पूरा काम करवाऊंगा मैं, तो इसका मतलब 20 से अगर 20 ऑप्शन से करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूं, तो 10 मिनट तो करा किसने, अकेले किसने, बी ने, और 10 मिनट किसने करा बताओ जल्दी, ए और बी ने, तो 120 काम होएगा कि नहीं होएगा। 10 मिनट अगर बी कर दे, 10 मिनट बी कर दे तो कितना काम हो गया, और 10 मिनट करवा रहा दोनों से बोल रहा है ए और बी, तो फिर कितना काम हो जाएगा जल्दी बताओ, 50, तो टोटल काम कितना हुआ, क्या ये हो पाया, बस की नहीं है इनके, तो ये ऑप्शन कट गया। अब मुझे लग रहा है कि भाई 20 मिनट में तो इन पर नहीं हो पाएगा ये काम, पूरा हुआ ही नहीं, 120 काम है, तो इसका मैं आधा आधा करना मेरा लिए जान का जंजाल बन जाएगा, तो मैं 30 का ही देख लूं, तो 30 पे ही देख लेता हूं, अगर मैं 30 लूंगा यहां, समझना पूरा काम 30 में खत्म, तो इसका मतलब आधा टाइम 15 मिनट बी ने और 15 मिनट किसने, ए और बी ने, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ 15 मिनट अगर इस पे करवाएंगे तो कितना काम कर देगा, 45 खंबे या 45 डब्बे खाली भर देगा जो भी है,
और 45 मिनट वो सॉरी 15 मिनट इन पे करवाएंगे 15 मिनट, तो ये कितना काम कर देगा, ये दोनों मिलके बोल रहा है ना। और बताओ पूरा काम हुआ क्या, खत्म, पूरा काम फिनिश किससे हुआ, 120 काम करवाना है दोनों से मिला के, बात खत्म होगी। बताओ कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन के लिए बना होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर इसको ऑप्शन से समझा जाए तो, ठीक है भाई। हमें चाहिए था पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरे का पता ही नहीं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जी पूरा काम यहीं 24 ना निकाल ले, आधा उस पे आधा उस पे। अरे भाई 24 में तो तब होएगा पूरा काम जब दोनों मिलके करें, दोनों ने मिलके तो करा ही नहीं, वो तो कुछ दिन किसी और से कुछ उसका आधा करवा रहा, हमें क्या पता वो कितने दिन में हुआ, ऑप्शन में है गया, ठीक है। तो 12-12 मिनट की ना सोचे कोई, 24 में करवाएगा ऐसे सोच रहे होंगे तुम में से कई, इसलिए कह रहा हूं 12-12 मिनट में देख लो काम कितना कर पाएंगे, ये 12×36 और ये 12×5=60 छान में ही काम होएगा, 120 होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन से ले लेना सवाल को। चलो बहुत बढ़िया, अब कई जो पूछा है कि जी बगैर ऑप्शन के ही बता देते, अरे भाई बगैर के बता तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, चलो बगैर के ही बता दूं। लो लो लो, अब तुम कहाँ भाग रहा है भाई, हाँ जा भैया, क्या दिक्कत है, जब मजबूरी है वो तो हाँ। चलो अब दोनों बराबर बराबर टाइम पे काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं कि नहीं, तो मैंने वो माना कि पूरा काम 2x टाइम में हुआ, 2x घंटे में, घंटे मिनट है क्या आए मिनट, 2x मिनट में हुआ, 2x क्यों, x क्यों नहीं मानी, अरे फिर आधे आधे करने पड़ेंगे ना, x बटे दो दिक्कत है, तो 2x टाइम में हुआ, तो ये x टाइम में, ये एक मिनट में तीन खंबे कौन चलाए हैं उसने, b चलाया, तो ये b जो है b ने x मिनट तक काम किया, x मिनट तक, और a प्लस b ने कितनी देर तक, इसने भी x मिनट तक काम किया, x मिनट तक, और दोनों ने मिलके क्या काम कर दिया, 120। बस रख दो और आपका उत्तर आ रहा, देखो b ने x मिनट में कितने लगाएगा, 3x, और ये दोनों मिलके 5x बराबर 120, 8x बराबर 120, और x बराबर 120 बटे 8, 15 मिनट आधा टाइम है, पूरा टाइम क्या होगा, 15×2 तो 30 मिनट। तो आप ऐसे भी समझ सको, बात वही करिए जो ऑप्शन में करता था, सेम बिल्कुल, तो आप x से भी समझ सकते हो इसको, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन और है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है लास्ट भी, ये भी अच्छा था क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट तथा 15 मिनट में, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। चलिए ए 10 मिनट बी 15 मिनट, बहुत सही। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है, खोल दो ठीक है, जब हौज भर जाना चाहिए, ये है बात, उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। अच्छा तो चलो 30, एक मिनट है, चलो मिनट लिख देंगे, एक मिनट में ये 3, एक मिनट में ये 2, ऑप्शन से यूं ही कर देंगे, चलो ऑप्शन की जरूरत ही क्या, नौ किसका आया, घना तेज है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो उत्तर तक तो पहुंचे, नौ ही मुझे लग रहा कि शायद आ जाए, ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आपने निकाला है, तो सब लोग कोशिश करेंगे। देखिए नए क्वेश्चन से कभी मत डरो, बहुत आसान होता है अगर आप उसको थोड़ा सा समझ के हल करो, बस समझने की बात है, ठीक है। पॉइंट को पकड़ो, पॉइंट क्या है इसमें, ये जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया, हौज पता कब भर जाना चाहिए, हौज भर जाता कितनी देर में भर जाता, पूरा हौज कितना, 30 है,
और दोनों मिलके, उसने बोला ना दोनों खोल दिए एक व्यक्ति, दोनों नलों को एक साथ खोल देता तो इसका मतलब 6 मिनट में हौज भर जाना चाहिए। तो इसने चेक कब किया है बताओ? 6 मिनट बाद। जब हौज भर जाना चाहिए इसका मतलब है इसने 6 मिनट बाद की बात कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? 6 मिनट बाद की बात कर रहा है, हौज भर जाना चाहिए, 6 मिनट में भर जाना चाहिए। उसके बाद जाके देखा यार हौज भर गया होएगा, ले बंद कर आऊं, मोटर है तो बंद करने गया। हुआ क्या, जाके देखता है अरे तेरी ये तो निकासी नल भी खुला रह गया। ऐसे ही तो बोलेगा, अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो निकासी नल भी खुला रह गया, आज तो इसे पिन्नी लगानी भूल गया इसमें। तो अविलंब, अविलंब मतलब बिना विलंब करे तुरंत उसको बंद कर देता है निकासी नल जो रह गया था नीचे। ठीक है, उसको बंद किया, इसके 4 मिनट बाद हौज भर गया। इसका मतलब कि भाई 30 थे और 4 मिनट में भरा है, 4 मिनट में वो बंद है। जब हर मिनट ये 5 भरते हैं तो 4 मिनट में, इसका मतलब 20 इन्होंने अब भरे उसके बाद, 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद 20 भरे हैं, 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद 20 काम किया है, 20, 6 मिनट बाद। तो 6 मिनट तक जब वो खाली वाला भी चल रहा था, 6 मिनट तक जब वो खाली वाला भी चल रहा था, तो तीनों चल रहे थे, ए भी, बी भी और सी भी, सी चाहे खाली करने वाला ही सही। 6 मिनट तक तो तीनों ही चल रहे थे कि नहीं? तो 6 मिनट में कितने हिस्से भरे थे इन्होंने बताओ ना आप, भरा कितना था 6 मिनट में? अरे भाई 20 तो इनने 6 मिनट बाद भरा है ना। अरे देखो ना कि इन्होंने 4 मिनट में भर दिया बाद के हौज को, 4 मिनट में। इसका मतलब 4 मिनट इनको और लगे हैं, ये हर मिनट 5 भर रहे हैं, तो 20 हिस्से 30 में से लास्ट में ही भरे हैं जब वो बंद कर दिया। जब बंद कर दिया है तब ये भरा है। इसका मतलब 6 मिनट तक 10 तो भर गए होंगे कि नहीं 30 में से? तो 6 मिनट तक ए प्लस बी प्लस सी ने 10 काम किया, 10 काम किया। जब ये तीनों ही चल रहे हैं तो भाई 6 मिनट में 10 काम इन्होंने किया है इसमें से, बिल्कुल सही है बात कि नहीं बताओ? बताओ भाई 6 मिनट तक ए प्लस बी प्लस सी ने 10 हिस्से भर दिए होंगे, ठीक है? अब आप खुद बताओ 6 मिनट तक उसने कितने भरे ए ने, 6 मिनट तक ए ने बताओ 18, 6 मिनट तक बी ने कितने भरे 12, काम तो 30 हो गया, काम तो 30 हो गया कि नहीं? काम तो इन्होंने 30 कर दिया था, 30 काम तो इनका ही है, 30 काम इन्होंने किया लेकिन काम फाइनली 10 हुआ। तो भाई ए प्लस बी के काम को घटा दो तो सी का काम आ जाएगा, तो सी का काम कितना है? ये 30 है, वो 10 है, तो इसका मतलब सी का काम हुआ कि भाई तीनों के काम में से 10 माइनस 20 काम सी करता है, 20 काम सी करता है कितनी देर में? 6 मिनट में, 6 मिनट में 20 काम अकेला सी कर देगा। 20 क्यों कर देगा? देखो ना तीनों कर रहे हैं 10 काम मिल करके, तो ये 20 खाली कर रहा है तीनों काम। अगर ये दोनों ही चलते रहे, तो 30 काम हो जाता इतनी देर में, लेकिन काम क्या हुआ है? मात्र 10 ही। तो इसका मतलब 20 खाली कर दिए होंगे सी ने, 30 हो जाना चाहिए था, काम कितना हुआ फाइनली 10, इसका मतलब 20 इसने खाली कर दिए, खाली 20 काम माइनस कर दिया इसने इनका 6 मिनट के अंदर। तो ये पूछ रहा है पूरे काम है सी कितनी देर में कर देगा, 6 मिनट में 20 कर रहा है तो पूरे में कितनी देर लगाएगा खाली करने में?
छह मिनट में 20 कर रहा, 6 मिनट में 20 कर रहा सी, 6 मिनट में 20 कर रहा, तो 3 मिनट में 10 नहीं कर रहा, खुद बताओ टी से कितनी देर में करेगा, नहीं बताओ बस मुझे। अरे भाई काम कितना है ये देखो ना, 3 मिनट में, 3 मिनट में 10 नहीं कर रहा, 3 मिनट में 10 नहीं कर रहा, हमें 30 काम करवाना, तो 3 गुना इसका करो, 3 गुना इसका करो, 9 मिनट में हो जाएगा 30 काम कि नहीं, ये 30 काम ये पूछ रहा है, ये थोड़ा सा हिसाब है दिमाग का बस, ऐसा और कुछ नहीं है। 30 काम 9 मिनट में खाली हो जाएंगे, हो सकता है और कोई बेहतर और तरीके से भी सोच सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सोचो, बस मैं तो एक बता रहा हूं कि आप अपने दिमाग में ऐसे फिट करो चीजों को, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी जो आपको लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार और बता दूं, चलो एक बार और बता देता हूं, देख लीजिएगा। दो नलें ए और बी, 10 और 15, ठीक है, और ये 30, ये तो हम करते ही हैं। हमने देखा कि जब हौज भर जाना चाहिए था, हौज भर जाता 5 मिनट, देखो कितनी मिनट में, 6 मिनट में, तो मैंने देखा कि 6 मिनट में बाद जाके जब वहां पता लगा कि हौज को भरने में तो अभी 4 मिनट और लगेंगे, तो 4 मिनट जब सी को बंद कर दें, खुद देखो ना, जब हौज भर जाना चाहिए इसका मतलब 6 मिनट बाद वो गया, चेक किया, 6 मिनट बाद चेक किया तो भाई उसने सी को जो खुला रह गया था उसको बंद कर दिया, तीसरे निकासी पाइप को जब उसको बंद कर दिया, तो 6 मिनट तक उन लोगों ने, क्योंकि 4 मिनट लग गए और काम को करने में, 20 काम तो बाद में हुआ है, इसका मतलब पहले 10 ही काम हुआ होगा, 20 काम जब बाद में हुआ तो पहले 10 ही काम हुआ होगा, और जब 10 काम हुआ तो किसने किया, जब तीनों चल रहे थे, तीनों ने 10 काम किया था 6 मिनट तक तीनों ने, और इसमें तो दोनों ने कितना कर दिया, दोनों तो भाई ये दोनों तो 30 पूरे निपटा देते, जब ही तो आया है, दोनों तो 30 काम निपटा देते, लेकिन 30 काम हो जाना चाहिए था, हुआ कितना है मात्र 10, इसका मतलब 20 काम खाली कर दिए, किसने, सी ने, इतनी देर में सी ने 20 काम खाली कर दिए 6 मिनट के अंदर। अब 6 मिनट में सी 20 काम करता है, हमें कराना सी से पूरा खाली, जब 6 मिनट में 20 करेगा 3 मिनट में 10 करेगा कि नहीं, आधे आधे, और हमें 30 करवाने, इसका मतलब इसके 3 गुने करने, तो 3 गुना टाइम लग जाएगा, बस 9 मिनट में 30, यही तो पूछ रहा बस, ठीक है भाई, आज का काम खत्म, पाइप टंकी बिल्कुल खत्म, और अब रीजनिंग का टेस्ट दे दो, चलो।